हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलो बात करते हैं बालों के बारे में। बालों की प्रॉब्लम जो है वो आजकल कॉमन प्रॉब्लम हो चुकी है, लाइक हेयर फॉल, डैंड्रफ या स्प्लिट एंड्स है, और ग्रोथ बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, ग्रे हेयर्स की प्रॉब्लम है। तो हम अनियन शैम्पू यूज़ कर रहे हैं या अनियन ऑयल यूज़ कर रहे हैं, मेथी ऑयल यूज़ कर रहे हैं, क्लौंजी ऑयल यूज़ कर रहे हैं, बहुत सी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं बट कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। बट मैं यहाँ एक ऐसा ऑयल लेके आई हूँ जो नेचुरल है, 100% श्योरिटी है इस ऑयल की कि ये आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करेगा और आपके जो डैंड्रफ है, जितनी भी हेयर्स की प्रॉब्लम है, उसको प्रिवेंट करेगा। तो मैं यहाँ जो ऑयल बनाने वाली हूँ वो है आंवला ऑयल। आंवला तो आपको पता ही है, नेचुरल इंग्रेडिएंट है। मार्केट में आंवला ऑयल है अवेलेबल बट वो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, हमें नहीं पता कि वो क्या यूज़ कर रहे हैं। बट यहाँ हम जो ऑयल बनाएंगे, आपके सामने बनाएंगे कि हम उसमें क्या यूज़ करेंगे। आंवला आप देख सकते हैं, ये फार्म से तोड़कर हमने डायरेक्ट तोड़कर इसे रख लिया है और अच्छे से वॉश करके रखा हुआ है ऑलरेडी मैंने इसे। जो आंवला है ये, इसमें विटामिन सी और ऐसी इंफ्लेमेटरीज पाई जाती हैं जो हमारे बालों की जितनी भी हेयर्स प्रॉब्लम होती हैं उन्हें दूर करता है, बालों की ग्रोथ को बढ़ाता है, हेयर फॉल कंट्रोल करता है। इसमें विटामिन सी होता है जो बहुत ही बेनिफिशियल है हमारे हेयर्स के लिए। जैसे हम आंवले का मुरब्बा खाते हैं वो हमारी बॉडी के लिए हेल्दी होता है, ऐसे ही ये जो कच्चा आंवला है ये हमारे बालों के लिए, हम इसका ऑयल बनाएंगे तो जो इसका ऑयल बनेगा वो हमारे बालों के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। बहुत ही सस्ता इंग्रेडिएंट है ये, आपको किसी भी, अगर आपके कहीं आसपास इसका कोई पेड़ है आपको वहां से मिल जाए तो बेटर है, अगर नहीं मिल रहा तो किसी सब्जी वाले की दुकान से आपको ये इजीली मिल जाएगा। फ्रेश लें, बहुत अच्छा रहेगा। मार्केट में बंसारी की शॉप पे भी आंवला मिलता है बट वो भी अच्छा है, बट यहाँ हमने फ्रेश आंवला का ही ऑयल जो है वो बनाना है। तो अभी आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल इन सबको अच्छे से वॉश करके और सुखा लेना है। मैं ये कर चुकी हूँ, पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ऑयल और पानी का कॉम्बिनेशन जो है वो ऑयल को खराब कर देगा। तो अच्छे से पोंछ लें, सुखा लें इसे। अब इसे हम छोटे छोटे पीसीज में कट करेंगे, अभी मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। रफली चॉप कर लिया है, बस क्या ध्यान रखना है आपको, जब आप इसे वॉश करें तो इसका पानी जो है अच्छे से सूखा होना चाहिए, उसके बाद इसे कट कर लें। मैं थोड़ी ही क्वांटिटी में बना रही हूँ तो आप अपने हिसाब से इसकी क्वांटिटी बना सकते हैं कम या ज़्यादा। ये जो ऑयल है बहुत बेनिफिशियल ऑयल है हर टाइप के हेयर्स के लिए, ऑयली हो, फ्रीजी हो, ड्राई हो, हर स्कैल्प को ये सूट करने वाला है। नेचुरल इंग्रेडिएंट है और सस्ता, सबसे सस्ता ऑयल बनने वाला है। और चलो अब स्टार्ट करते हैं, हमें क्या करना है। रफली चॉप करने के बाद हम एक गैस पर एक पैन या कढ़ाई रख लेंगे, उसके बाद मैं इसमें मस्टर्ड ऑयल डाल रही हूँ। मस्टर्ड ऑयल मैं, क्योंकि विंटर में ही मस्टर्ड ऑयल अच्छा रहता है तो मैं इसीलिए मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रही हूँ। और अब हम चेक करेंगे कि जो हमारा ऑयल है वो अच्छे से गर्म हो चुका है। और ये गर्म होने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूँगी चॉप किए हुए आंवला। आंवला मैंने इसमें ट्रांसफ़र कर दिए हैं और अब आप देख सकते हैं। आपको क्या बात ध्यान में रखनी है कि जो आंवला है बिल्कुल भी गीले ना हो, अदरवाइज़ तेल और पानी का कॉम्बिनेशन ऑयल को ख़राब कर सकता है। अब इसे एक स्पून की हेल्प से अच्छे से मिक्स कर देंगे और 15 या 20 मिनट में इसका आंवले का जो कलर है वो चेंज होने लगेगा और आपको जो गैस का फ्लो है वो सिम करना है, यानी कम करके रखना है। अब आपने देख ही लिया होगा कि मैंने इसे आंवला को रफली चॉप करके, मैं इसे मस्टर्ड ऑयल में क्यों बना रही हूँ, मस्टर्ड ऑयल में मैं इसे इसलिए बना रही हूँ क्योंकि अब विंटर्स हैं तो विंटर्स में जो मस्टर्ड ऑयल है वो बहुत अच्छा होता है हमारे स्कैल्प के लिए। अगर आप समर में बना रहे हैं तो आप कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, आप तिल का तेल भी यूज़ कर सकते हैं,
जो आपको सुटेबल लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं, बट मैं यहाँ मस्टर्ड ऑयल में बना रही हूँ क्योंकि मैं अपने वेदर के अकॉर्डिंग बना रही हूँ। आप अपने हिसाब से कोई भी ऑयल ले सकते हैं जो आपको सूट करता हो। आंवला जितना बेनिफिशियल होता है हमारी खाने में, जितना हेल्दी होता है, उतना ही हमारे स्कैल्प के लिए, हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। आप इसे डायरेक्टली फ्रेश आंवला को डायरेक्टली भी च्यू करके भी आप इसे खा सकते हैं। ये आपके बालों की ग्रोथ को बढ़ाएगा, बहुत अच्छा है, इसके बहुत से बेनिफिट्स हैं। तो मैंने इसे यूज़ किया है ऑलरेडी, तो मैं इसीलिए इसका एक्सपीरियंस जो है आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हाँ, इस चीज़ का मैं आपको एक बार बता दूँ कि जो आपके बाल ऑलरेडी ग्रे हो चुके हैं उनको ब्लैक नहीं करेगा ये। जो लोग दावा करते हैं कि ये ऑयल लगाओ ग्रे हेयर्स ब्लैक हो जाएंगे, नहीं, कभी नहीं होता ऐसा। जो आपकी न्यू ग्रोथ है उसको प्रिवेंट करेगा, ना कि ये आपके ऑलरेडी ग्रे हो चुके बालों को कलर करेगा। आपकी न्यू ग्रोथ में हेल्प कर सकता है, आपके बालों में डैंड्रफ है उसे कंट्रोल करेगा, हेयर फॉल हो रहा है, बालों को लेंथ जो है आपकी कम है, स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम है, उन सबको दूर करेगा। मैंने इसे यूज़ किया है तो बहुत अच्छा ऑयल है। मार्केट में आंवला ऑयल आता है बट मैंने वो यूज़ नहीं किया, बट मैंने उसके रिव्यूज़ देखे हैं, इतने अच्छे नहीं रहे हैं जितने अच्छे रिव्यूज़ आपको इस ऑयल के आएंगे। बहुत अच्छे रिव्यू आने वाले हैं क्योंकि मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ। जो अब आप देखते हैं कि हमारा जो ऑयल है वो 15 या 20 मिनट्स में बन जाएगा। चलो देखते हैं। बीच बीच में हम ऑयल को चेक करते रहेंगे, स्पून की हेल्प से अच्छे से मिलाते रहेंगे ताकि जो आंवला है वो जले ना। और अब ऑलमोस्ट जो हमारा ऑयल है वो रेडी होने वाला है। कैसे रेडी होने वाला है, कैसे पता करना है, क्योंकि आंवले का जो कलर है वो ब्राउनिश शेड में हो रहा है। गैस को सिमी रखें और कुछ ही देर में ये ऑयल बनने ही वाला है। मैंने आंवला को रफली चॉप किया था। आप इसे मिक्सी जार में ग्राइंड भी कर सकते हैं, वो एज योर विश। मैंने रफली चॉप कर लिया था, वो भी ठीक है। अगर आप मिक्सी जार में इसे ब्लेंड करेंगे तो वो भी ठीक है। बस इसका जो ये अंदर का पोर्शन होता है कि इसे गुठली जिसे बोलते हैं वो निकाल लें, तब जाके आप इसे क्रश करें। तो ऑलमोस्ट हमारा जो ऑयल है वो बनने ही वाला है। जब वो ठंडा हो जाएगा हम उसे कांच के बर्तन में ट्रांसफर कर देंगे। अब आप देख सकते हैं जो आंवला है और ऑयल है इसका जो कलर है वो टोटली चेंज हो चुका है। बहुत ही प्यारा कलर आया, ब्राउनिश शेड आई है। आंवला भी अच्छे से पक चुका है तेल में। तो जो हमारा ऑयल है वो रेडी हो गया। अब आप देख सकते हैं कि ये कितना अच्छा रेडी हुआ। मैंने इसे अलग नहीं किया आंवला और ऑयल को, क्योंकि ये अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाएगा। जी, आंवला ऑयल जो है हमारा वो बनकर रेडी हो गया है। आप देख रहे होंगे कि ये ऊपर क्या है, ये आंवला है। मैंने इसे छाना नहीं है, मैंने इसे अलग नहीं किया। आप इसे छान कर भी रख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। बट मैं जो आंवला थे जो मैंने इसके अंदर इस ऑयल में फ्राई किए थे वो मैं इसी में ही रहने दूंगी, क्योंकि इससे जितना टाइम आंवला इसमें रखे रहेंगे जो ये आंवला ऑयल है ये और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। ये हल्का सा गर्म है इसीलिए मैंने इसे एक बाउल में रखा हुआ है। तो ये बहुत अच्छा है। बहुत से लोगों को मस्टर्ड ऑयल की जो फ्रेग्रेंस होती है वो अच्छी नहीं लगती, बट जब हम इसमें आंवला ऐड कर देंगे तो जो उसकी फ्रेग्रेंस है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ये जो ऑयल है बहुत अच्छा है, आप इसे जरूर ट्राई करना। मैं कुछ ही देर में अपने बालों में भी ट्राई करूंगी, ऑलरेडी कर भी चुकी हूँ और अब करूंगी भी थोड़ा सा। जब भी आपको ऑयल मसाज करनी है तो ऑयल को हमेशा हल्का सा गर्म करें और उसके बाद अच्छे से मसाज करें, तो वो और ज़्यादा अच्छे से वर्क करता है। सो थैंक यू।